हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है कंटिन्यूएशन अपने पिछले वीडियो की, जहाँ पे हम लोग यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी पढ़े। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अगर हम देखें तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उससे जो यूटिलिटी है उसको नंबर में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। वो नंबर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी यूनिट ले सकते हो। लेट से एक रोटी खाने से 10 यूटिलिटी मिली, या 10 यूनिट ऑफ यूटिलिटी मिली, या एक रोटी खाने से 5 यूनिट ऑफ यूटिलिटी मिली। आपको जो यूनिट लेना लो, बट उस यूनिट को जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त वो एक जो अजम्पशन है वो अजम्पशन को नंबर में डिनोट कर रहे हैं। इसीलिए उस अप्रोच को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहेंगे। और इस अप्रोच से जब हम लोग यूटिलिटी पढ़ेंगे तो उसे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ का जानना ज़रूरी है। एक है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? अगर आपने कोई चीज़ कंज्यूम किया, वो कंज्यूम कर लेने के बाद जो लास्ट में आपको यूटिलिटी मिली वो हो गई टोटल यूटिलिटी। इसके साथ आती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? आपने एक रोटी खाई, उस रोटी खाने के बाद आपको जितनी सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन जो है एक रोटी की, वो सेटिस्फैक्शन हुई। बट जब आपने दूसरी रोटी खाई तो जो सेटिस्फैक्शन बढ़ी, जितने अमाउंट से बढ़ी, वो हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। फिर 2 से 3 पे जाने पे आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिला वो हो गया एक और मार्जिनल यूटिलिटी। फिर उसके बाद 3 से 4 के बीच में जो डिफरेंस होगी यूटिलिटी की, वो मार्जिनल यूटिलिटी। वैसे ही पाँचवीं रोटी खाने में जो 4 से 5 पे जाने पे जो यूटिलिटी मिलेगी वो एक और मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसके साथ हम लोग ये चीज़ जो पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट कि जो कार्डिनल अप्रोच है उसको ग्राफ में कैसे पढ़ेंगे, उसको एज ए ओवरऑल स्टडी कैसे करेंगे। तो वही रोटी का एग्जांपल अगर कंटिन्यू करते हैं तो पहली रोटी खाने से आपको मिली 12 यूटिलिटी, दूसरी खाने से आपको यूटिलिटी कम हुई। क्योंकि आप पहली रोटी खाओगे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी क्योंकि आप भूखे हो, बट दूसरी रोटी खाने पर सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होगा क्योंकि आपका पेट थोड़ा भर चुका है। फिर जब तीसरी रोटी खाओगे आपको लगेगा हाँ ठीक है, पहुँच गए वहाँ तक कि जहाँ पे मन थोड़ा थोड़ा भर रहा है। फिर जब चौथी पे आओगे तो कहोगे अरे यार हो गया, बस हो गया, ठीक है, हो रहा है, अब नहीं चाहिए। फिर कोई कह नहीं बेटा तू अब ज़बरदस्ती पांचवी रोटी खा, भाई पेट भर गया अब मैं क्या करूँगा। फिर वहाँ से एक अंकल आते हैं ले छठी रोटी भी ठूस, और तूने क्या किया, उल्टी कर दी भाई। क्यों? सेटिस्फैक्शन तो मिला नहीं, खा के उल्टी हो गई या पेट दर्द कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, डिससेटिस्फैक्शन हुआ, तो यानी यहाँ पे माइनस हो गया। और साथ में अगर यूटिलिटी देखेंगे तो यहाँ तक यूटिलिटी बढ़ रही थी, फिर यहाँ से कम हो गई यूटिलिटी। क्यों यूटिलिटी कम हो गई? तो ये जो टोटल यूटिलिटी थी, तो छठी रोटी खाने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि आप छठी रोटी खाने के बाद आपका पेट खराब हुआ ना, उल्टी जैसी लगी, तो आपकी यूटिलिटी कम हो गई। बट पांचवी रोटी के बाद आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली वो 24, चौथी पे जो मिली वो 24, यानी हम कह सकते हैं कि एक इंसान जो है मैक्सिमम यूटिलिटी जो है अगर उसको गेन करना है उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो 4 रोटी में उसका यूटिलिटी पूरा हो जाएगा। पाँचवीं रोटी उसके लिए वेस्ट है, छठी रोटी में वो उल्टी कर देगा। यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी कितने यूनिट से डिराइव हुई, वो हुई 4 से। और इसको पता करेंगे टोटल यूटिलिटी के अगर टेबल में, तो जहाँ पे यूटिलिटी नहीं बढ़ी वो जगह हो गया उसके जस्ट पहले वाला जगह हो गया ऑप्टिमम लेवल, और जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है उसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा हो गया ऑप्टिमम लेवल। फिर आप देखोगे जब इसको ही आप ग्राफ में रख दोगे, फिर आप देखोगे कि ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, टोटल यूटिलिटी अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। फिर जहाँ पे ये 0 होता है वहाँ पे ये स्टेबल होता है, और 0 के जस्ट पहले वो पीक पे रहता है। यानी चौथी रोटी खा के आप पीक पे हो, पांचवी रोटी खा के भी पीक पे हो, क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट या कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ, वो वहीं पे स्टेबल है। और
जब आपने छठी रोटी खाई, आपका उल्टी हो गया या पेट दर्द कर रहा है, तो उसकी वजह से वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया, क्योंकि निगेटिव में आ गई आपकी यूटिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन हुआ। फिर लोग कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और डिमांड कर्व में रिलेशन डायरेक्ट है, ट्रू। और जो ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लोग ये भी कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ डिमांड कर्व, वो भी ट्रू है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर डिमांड कर्व। क्यों? जैसे जैसे प्राइस कोई चीज़ की बढ़ती जाएगी, आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। कैसे यूटिलिटी कम होगी? ये भी एक अजम्पशन है, बट ये ट्रू है। हम यहाँ पे नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि अगर आप मान लो पेप्सी पीते हो, कोका कोला पीते हो, उसका प्राइस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आप क्या करोगे? अगर आप पहले एक पेप्सी पी के बहुत खुश हो जाते थे, तो मे बी अब आधी पेप्सी पी के ही उतना खुशी चलाना पड़ेगा, राइट? हो सकता आप मन से सेटिस्फाई नहीं हो, बट आपके पॉकेट और आपके जो रिसोर्स है, उससे आप उतनी ही अफोर्ड कर सकते हो, राइट? हाफ। तो क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, आप ज़्यादा पैसे दे के हो सकता है वो सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहो, क्योंकि फिर जब ज़्यादा पैसे चले जाएंगे तो उसकी यूज़फुलनेस आपको लगेगी नहीं है, ये यूज़फुल भी नहीं है। फिर आपको ये लगेगी ये सेटिस्फैक्शन भी उतना नहीं दे रही है, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसका कंजम्पशन कम कर दोगे। तो जैसे ही जैसे वो प्राइस बढ़ेगी, वैसे वैसे कंजम्पशन एक प्रोडक्ट का कम होता है, क्योंकि जो यूटिलिटी होती है एक प्राइस बढ़ने पे प्रोडक्ट की, तो हर लेवल पे जो यूटिलिटी बढ़ती जाती है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हर लेवल पे कम होती जाती है। इसका एक और एग्जांपल ले अगर, तो जैसे आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, वो कंज्यूम आपका लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलेगा। लेट से आप एक महीने कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिए, राइट? तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आप अगर लेते हो, तो जब आप एक मूवी देखोगे तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन लगेगा, अरे यार मैं तब कितना अच्छा मूवी देख रहा हूँ ना। एक महीने बाद आप अगर सिर्फ, मतलब आपका अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ मूवी देख रहे हो, तो एक महीने बाद आप बोलोगे कि यार लगभग काफ़ी मूवीज़ देख ली, अब उतनी कोई मूवी बची नहीं। फिर उसी के साथ अगर कैसा हो कि नेटफ्लिक्स बोले, नहीं भाई तुझे अगले महीने से ना 500 के जगह मे बी 650 रुपये देने पड़े, अब क्या करोगे? मे बी आप मन मार के दे दोगे, या हो सकता है कि आप यूज़ ना करो, क्योंकि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, वो सेटिस्फैक्शन लगभग भर चुकी है। अब अगर आप और मूवीज़ देखोगे जो कि उसमें उतने अच्छे कंटेंट नहीं हो बचे, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा उतना। तो ये हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, और इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और डिमांड कर्व को। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी और डिमांड कर्व को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप मार्केट में जानना चाहते हो कि कोई सा प्रोडक्ट कितना इम्पोर्टेंस रखता है, किस प्रोडक्ट का कितना वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसके अंदर की वैल्यू की बात करें, पैसे की वैल्यू की नहीं, तो आप उसको ये पता कर सकते हो कि उस डिमांड का क्या रिलेशन होगा प्राइस के कंपेयर में, प्राइस से उसका क्या डिमांड का रिलेशन होगा, और वो जो प्रोडक्ट है वो कितना आप कह सकते हो उसकी डिमांड में भी आप फोरकास्ट कर सकते हो, या कुछ ऐसा चीज़ आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम लोग सीखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी एनालिसिस करने का। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। आपके जो डाउट्स हैं कमेंट में लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।